सच की आवाज लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकार ही उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर सच बोलने वालों का, सच लिखने वालों का और सच्चाई जनता के बीच में जो लोग लेके जा रहे हैं उनका क्या आलम है, क्या हाल है। तमाम घटनाएं हुई पिछले दिनों में, वो विकास दुबे से शुरू करके और विक्रम जोशी तक आती है। जब ये घटना हुई, अभी मैं यशोदा हॉस्पिटल में उनके परिवार के लोगों से मिलकर आ रहा हूं, क्योंकि उनकी गंभीर अवस्था है, वो तो आईसीयू में है विक्रम जी, इसलिए उनके परिवार के लोगों से मैं मिलकर आ रहा हूं। उनकी बहन जो है उन्होंने बताया कि 2 घंटे पहले उन्होंने एसएचओ को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध लोग मेरी घेराबंदी कर रहे हैं। 2 घंटे पहले एक पत्रकार जिसने 5 दिन पहले अपने परिवार के मामले की एप्लीकेशन आपको दे रखी है, वो आपको ये कहता है कि हमको कुछ अपराधी या कुछ संदिग्ध लोग घेरे हुए हैं, चक्कर लगा रहे हैं मेरे आसपास, आपकी मदद मुझे चाहिए। इसका मतलब कि अगर पुलिस सही समय पर पहुंच जाती तो यह घटना एक पत्रकार के साथ नहीं होती, कतई नहीं होती। पता नहीं क्या हुआ है, क्या अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ जिस तरीके से हम लोगों ने कानपुर में देखा वही मामला तो यहां नहीं है। क्यों आखिर एसएचओ पत्रकार विक्रम जोशी के कहने पर एप्लीकेशन फोन करने पर नहीं आया, बीमारी का बहाना बनाया? अगर वो बीमार था तो उसके यहां से कोई और अधिकारी आ सकता था, पुलिसकर्मी आ सकता था, नहीं हुआ और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। इस पूरे मामले में मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए, जो भी पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि अपराध को बढ़ावा देने वाले पुलिस के लोग जो खाकी वर्दी में बैठे अपराधी हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं उन अपराधियों को जिनको हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, और ये खाकी वर्दी के जो अपराधी हैं ये ज्यादा उनसे खतरनाक है। इसके अलावा इस पूरे मामले में अभी फिलहाल उनको बेहतरीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी हालत गंभीर है, इसलिए जो भी उनका इलाज इसमें जरूरी हो, जहां ले जाना जरूरी हो, जिस प्रकार का इलाज जरूरी हो, वो इलाज सरकार उनको कराए और उनकी मदद करे। तीसरा, उनका पूरा परिवार इस वक्त भयभीत है, असुरक्षित महसूस कर रहा है घटना के बाद से लेकर, उनको सुरक्षा प्रदान करें। ये विक्रम जोशी जी के मामले में, विक्रम त्यागी जी का जो मामला है जिसके अपहरण के मामले को लेकर मैंने उनके परिवार से भी मुलाकात की थी, उनके परिवार के लोग और बाकी लोग, समाज के लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, उनसे अभी मैं मिलने के लिए जाऊंगा। अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने, जैसा बताया जाता है कि एसटीएफ की टीम बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, परिवार को तो परिणाम चाहिए, लोगों को तो रिजल्ट चाहिए कि आखिर हुआ क्या विक्रम त्यागी का। महीनों हो गया अपहरण हुए और आज तक कोई अता पता नहीं चला, ना अपराधियों का, क्योंकि खून के धब्बे मिले हैं उनकी गाड़ी से, गाड़ी मिल जाती है, खून के धब्बे मिल जाते हैं, ये डिटेल मिल जाता है कि अंत समय में वो कहां देखे गए, अंतिम उनका वीडियो फुटेज आ जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए एक ये भी मैं डिमांड जोड़ता हूं कि गाजियाबाद प्रशासन, गाजियाबाद की पुलिस जल्द से जल्द विक्रम त्यागी का पता लगाए, वरना उस मामले को भी लेके आम आदमी पार्टी उनके परिवार के साथ है और जो भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी हम उसमें आंदोलन भी करेंगे, हम इसमें चुप रहने वाले नहीं। कोरोना और कानून व्यवस्था दो ऐसा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए जिसपे वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए। कोरोना की बात अगर हम लोग करें, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बड़ी महामारी के रूप में सामने आ रहा है और हम लोग पिछले 10 दिन से आगाह कर रहे हैं कि यहां पर होम आइसोलेशन की छूट दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कीजिए, यहां पर वेंटिलेटर्स का हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम कीजिए। तमाम मांग हम लोग कर रहे हैं कि भाई कोरोना के ऐप जारी कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब ये भयावह रूप लेके सामने आ रहा है, लखनऊ के अंदर
कल एक वरिष्ठ पत्रकार ने वो फोटो भी डाली है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन लगी हुई है कोरोना के मरीज, उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है। बगल में दिल्ली आप चले जाइए, बहुत आलोचना हुई हमारे दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी की, लेकिन आज केजरीवाल का चिकित्सा मॉडल दुनिया में और देश में चर्चा का विषय बना है। 1,03,000 से ज्यादा मरीज दिल्ली में ठीक हो चुके हैं, पॉजिटिविटी रेट घटके 9-10% आ चुका है, दिल्ली में रिकवरी रेट 85% हो चुका है। और यह क्यों संभव हुआ, क्या क्या काम किया केजरीवाल जी ने? उन्होंने योगी जी की तरह क्रिकेट मैच खेलने के लिए टीम 11 नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इस कोरोना से लड़ने के लिए गंभीर प्रयास किए। होम आइसोलेशन एक बड़ा सफलता का, एक बड़ी हमारी सफलता का कारण रहा। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने कराई। आज दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जहां 2.5 करोड़ की आबादी है, वहां पे प्रतिदिन 25,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रतिदिन की टेस्टिंग अब हो रही है वो जाके करीब 40,000-45,000 पहुंची है। इसके पहले यहां भी 20,000-19,000 ऐसे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कम से कम योगी सरकार को प्रतिदिन 2,00,000 जांच करानी चाहिए, कम से कम 75 जिलों में 75 टेस्टिंग लैब होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 34 टेस्टिंग लैब है, दिल्ली में 42 टेस्टिंग लैब है। एक छोटे से राज्य में 42 टेस्टिंग लैब, और यूपी के अंदर कोविड पेशेंट को अगर अपने अपना टेस्ट कराना हो तो उसके लिए जिलों में लैब मौजूद नहीं है, मात्र 32-34 लैब पूरे यूपी के अंदर है। हर जिले में कम से कम एक लैब बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बेड की उपलब्धता होनी चाहिए, ऑक्सीजन बेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। गाजियाबाद में, नोएडा में, मेरठ में, सहारनपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, इन जगहों पे, प्रमुख जगहों पे, इलाहाबाद में जहां जहां केसेस बढ़े हैं वहां प्लाज्मा बैंक का इंतजाम करना चाहिए। कोरोना के ऐप जारी कीजिए योगी जी, कम से कम लोगों को पता चल सके किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं, किस हॉस्पिटल के अंदर कितने ऑक्सीजन बेड खाली है। आप तो कह रहे थे 1.5 लाख बेड आपने बना दिया, ये मई की खबरें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दावा किया कि 1.5 लाख बेड बन गए वहां, लेकिन मौके पे आप देखिए तो लोग लाइनें लगाए हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष देखने को मिला। मैं एक मामले में खुशी भी जताऊंगा, मैं पिछले 10 दिन से मांग कर रहा था कि होम आइसोलेशन लागू कीजिए, कम से कम दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के अच्छे मॉडल को योगी जी ने कल लागू करने की बात कही है। अब होम आइसोलेशन यहाँ भी यूपी के अंदर भी शुरू किया गया है कल से, उसके मैं समझता हूँ कि अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, योगी सरकार अगर उसको नहीं उठाती है तो फिर ये ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार करने की कार्रवाई होगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय कोरोना और कानून व्यवस्था दो चीज से उत्तर प्रदेश पीड़ित है, उससे आप उत्तर प्रदेश को बचाइए, मुक्त कराइए, लड़ाई लड़िए, और जिससे कि सही मायने में अपराध रुक सके, सही मायने में कोरोना रुक सके। आप लोगों के कोई प्रश्न? ये बात क्यों मीडिया के जरिए कर रहे हैं और प्रशासन से भी पुलिस से आपकी बात हुई है? देखिए, हमने बाकायदा पत्र भी लिखा है योगी जी को इस संबंध में, और मैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी ये मांग करता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या क्या कदम उठाना चाहिए। 8 जो हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी शहीद हुए, उनके परिवारों से भी मैं पिछले दिनों मिलने गया था, और उस दौरान भी मैंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। जो कुछ भी आज यूपी के अंदर हो रहा है, खासतौर से कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर, वो बहुत दुखदायी है, और इससे लोग भयभीत भी हैं, चिंतित भी हैं कि किस गर्त की ओर, किस नर्क की ओर योगी जी उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।